जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एफकैट एग्जाम को अब कुछ ही दिन रह गए हैं एंड आई होप यू गाइस आर सीरियसली प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग जुडिशियस यूज ऑफ दिस टाइम। गाइस, इस समय आपको ज़्यादा बुक्स, लेंदी बुक्स को ना रेफर करके आई वुड सजेस्ट कि आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस पेपर्स लगाएं और ये वीडियो सीरीज को फॉलो करते रहें, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ें और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें एंड यू गाइज विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 200+ मार्क्स। बस ऐसे ही सिस्टमेटिक ढंग से आप काम करते जाइए। सो यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ओलंपिक्स एंड कॉमनवेल्थ। इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स से करेंट अफेयर्स आते ही रहते हैं और इसीलिए ओलंपिक्स एंड कॉमनवेल्थ पे आई थॉट टू मेक अ सेपरेट सेशन, ताकि उससे जो रिलेटेड प्रेवलेंट इन्फो है वो मिल सके एंड हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट मिल सके। सो लेकिन उसके पहले, एज इट्स आवर रिचुअल, हम पहले के आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो आई टॉक्ड अबाउट 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे आर्टिकल्स में बदलाव किया गया था। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इसलिए है क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पे लगा था, इंटरनल इमरजेंसी लगी थी ना, उसके बाद इमरजेंसी को लेके भी प्रोविजंस चेंज हुए थे। तो इंटरनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में, देन प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मिसेस इंदिरा गांधी ने लगाई थी। सो 42nd अमेंडमेंट इट वॉज पास्ड ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी इन 1976। इट वॉज देन ओनली, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हुई थी हमने जैसे कि पढ़ा, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इसी 42nd अमेंडमेंट से आया था, USSR दैट इज सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था, एंड चेंजेस टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें फिर जो सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म है ना हमारे प्रीएम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म 42nd अमेंडमेंट में ही ऐड हुए थे। नाउ द लास्ट अमेंडमेंट वाज 105th अमेंडमेंट जो 10th अगस्त 2021 को पास हुआ है, एंड ये क्या है, इट रिस्टोर्स द स्टेट्स पावर्स टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। ओबीसीज आर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, और वो लिस्ट बनाने के लिए कौन से कम्युनिटीज को ओबीसीज में रखना है कौन से नहीं, इन सब के स्टेट के पास जो पावर होती है, सेंटर से नहीं, वो स्टेट्स की पावर को रिस्टोर करता है 105th अमेंडमेंट। So without wasting much time, let's move forward to the Olympics and Commonwealth Games. तो Olympic Games, इस साल के Olympics एक postpone हो गए थे and 2021 में हुए हैं Tokyo Olympics. So first हम थोड़ा सा history देखेंगे। तो they first began in 1896, जो modern Olympics हैं। Ancient Olympics भी होते थे Greece में, फिर वो बीच में wars and government changes सब की वजह से काफी, पर वो काफी different थे। तो जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो 1896 में एथेंस ग्रीस में शुरू हुए, और जो पहला इंडियन पार्टिसिपेशन था वो कब था, 1900 में, नॉर्मन पिचर्ड, ही वाज आल्सो हॉलीवुड एक्टर, ये एक ब्रिटिश इंडियन थे जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल्स जीते भी थे, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, ब्रिटिश इंडिया था तब, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल्स जीते भी थे मेन 200 मीटर एंड मेन 200 मीटर हर्डल्स में। अभी गेम्स हर 4 साल पे होते हैं सिंस 1896, पर एक कभी नहीं हुए 1916 में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, एंड 1940 एंड 1944 में ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब इंडिया का पहला डेलीगेशन कब गया था, इंडिया का पहला डेलीगेशन गया था 1920 ओलंपिक गेम्स में, और 1964 में पहला विंटर ओलंपिक्स में पहला डेलीगेशन गया था। और हमारे टोटल मेडल्स कितने हैं, ब्रिटिश इंडिया लाइक 35 मेडल्स हैं जिसमें से 10 गोल्ड्स हैं, 7 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज हैं, और जो 2 मेडल्स नॉर्मन पिचर्ड ने जीते थे दे आर ऑल्सो काउंटेड एज 2 सिल्वर मेडल्स। सो अभी इसमें इंडियन, अगर ओलंपिक्स की बात करें और इंडियन हॉकी टीम की बात ना करें तो शायद नाइंसाफी होगी इंडियन हॉकी टीम के साथ, बिकॉज इंडियन हॉकी टीम का दबदबा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो दबदबा 1980 के बाद से
थोड़ा कम हो गया था, बट 41 इयर्स लेटर इस साल 2021 में टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीत के एक शानदार वापसी कही है। ये हॉकी फैंस के लिए और इंडियन हॉकी के लिए बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही एक प्रॉमिसिंग स्टेप है, क्योंकि अभी हम इंडिया को अपना फ्यूचर फिर से दिख रहा है हॉकी में। तो जो हमारा पहला फर्स्ट गोल्ड आया था ना हॉकी में, वो आया था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, एंड उसके बाद 1928, 1932, 1936, 1940 और 44 में तो वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल ही हो गए थे ओलंपिक्स, तो उसमें नहीं आया था। देन 1948, 1952, तब तक हम लोग कंटिन्यूअसली गोल्ड जीतते रहे हॉकी में, वी वर द अनडिफीटेड चैंपियंस इन 1956 तक। देन 1960s में हमें सिल्वर, फाइनल मैच में हमें सिल्वर मिला था, वी गॉट डिफीटेड। देन अगेन इन 1964 एंड इन द लास्ट मेडल जो आया था हॉकी में, वो गोल्ड मेडल जो आया था हॉकी में, वो 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में था। उसके पहले उसके बाद 41 इयर्स लेटर 2021 में, जो कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स थे, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक दे वर पोस्टपोन, वहाँ पे इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला है। सो अब अगर ये तो टीम इवेंट की बात हो गई, केडी जाधव जो थे, जो पहला इंडिविजुअल मेडल था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो केडी जाधव थे, 1952 में इन्होंने रेसलिंग के लिए जीता था। एंड पहली वुमेन कौन थी जिन्होंने मेडल जीता था, तो शी वॉज कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन जिसने ओलंपिक मेडल जीता था, ब्रॉन्ज था वेट लिफ्टिंग के लिए। सो ये तो थे हमारे इंडिविजुअल मेडलिस्ट। अब इंडिविजुअल पहला गोल्ड मेडल किसमें आया था, तो वो आया था, वो प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए आया था 2008 में शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा, बीजिंग ओलंपिक्स 2008 ही वन द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। फिर उसके बाद 12 इयर्स लेटर नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय जिनको अभी कहा जाता है, ही बिकेम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड्स। इन्होंने जैवलिन थ्रो में 87.58 का शानदार थ्रो करते हुए इन्होंने गोल्ड जीता जैवलिन थ्रो इवेंट में। So this is Neeraj Chopra in Tokyo 2020, the Karnam Malleshwari, the first women medalist, KD Jadhav sir, jinhone 1952 mein pehla bronze jeeta tha, India ka pehla individual medalist, and Abhinav Bindra sir, jinhone 10 meter air rifle mein medal jeeta tha, gold medal in shooting in 2008 Beijing Olympics. अभी हम बात करते हैं फर्स्ट इंडिविजुअल डबल मेडलिस्ट की। सो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट कौन थे, वे थे सुशील कुमार, इन्होंने 2008 में और बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था रेपीचेज राउंड के थ्रू, एंड 2012 में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बेटर किया, फाइनल तक पहुंचे और सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। देन फिर पी वी सिंधु इन 2021 टोक्यो ओलंपिक्स, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन जिसने इंडिया से जो डबल मेडलिस्ट बनी। 2016 में शी क्लिंच्ड अ सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, एंड 2020 में शी क्लिंच ब्रॉन्ज मेडल। नाउ साइना नेहवाल, शी इन 2012 ब्रॉन्ज, शी बिकेम द फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट इन बैडमिंटन। काफी टाइम के बाद, लाइक आफ्टर 2012 इयर्स लेटर, साइना नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम ने इंडिया को वुमेन मेडलिस्ट दिए थे। एमसी मैरी कॉम जो 2012 में ब्रॉन्ज जीता था, इन्होंने फर्स्ट फीमेल बॉक्सर टू क्लिंच अ मेडल इन ओलंपिक्स। 2012 में ही फीमेल बॉक्सिंग पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, वरना तो एमसी मैरी कॉम शी इज सिक्स टाइम अनडिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन एंड सेवन टाइम फाइनलिस्ट। सो ये और भी मेडल्स लाती, बट 2012 में ही बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड उसके बाद भी इनका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। शी अनफॉर्चुनेटली वो इस साल रिटायर हो जाएंगी बिकॉज ऑफ आईबा रूल्स, आईबा इज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, बट इनका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही इंस्पिरेशनल प्लेयर है इनकी जर्नी। आई विल सजेस्ट यू गाइज आफ्टर द एफ कैट एग्जामिनेशन यू शुड जस्ट फॉलो हर, गेट टू नो मोर अबाउट हर। देन सी ए भवानी देवी इन टोक्यो 2020, she not only became the first athlete to represent India in fencing. Fencing काफी, it's not our a traditional Indian sport, it's a very high end sports, and ये इन्होंने पहली बार इंडिया को ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया, इन्होंने एक मैच जीता भी था, ये सेकेंड राउंड तक भी गई थी। और फेंसिंग जैसा स्पोर्ट जो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, उसमें भी इतना अच्छा करके जाना, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को ना सिर्फ रिप्रेजेंट करना, मैच जीतना भी, एक ये बहुत ही बढ़िया फीट होता है। So this is PV Sindhu, our double first woman double Olympic medalist, MC Mary Kom ma'am and Saina Nehwal,
द फर्स्ट ओलंपिक बैडमिंटन फीमेल मेडलिस्ट। नाउ अभी हम और भी बात करते हैं टेनिस। टेनिस में ऑल्दो इन 2016 रोहन बोपन्ना एंड सानिया मिर्जा दे जस्ट मिस्ड ब्रॉन्ज, बट जो टेनिस का अभी तक इंडिया को सिर्फ एक मेडल मिला है ओलंपिक्स में, और वो आया था 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में। इट वॉज अ ब्रॉन्ज फ्रॉम लियांडर पेस। ही इज ऑल्सो अ लेजेंडरी प्लेयर, और इन्होंने पहला इंडियन टेनिस मेडल सिंगल्स दिलाया था। फिर शूटिंग, शूटिंग में भी इंडिया को मेडल्स मिल चुके हैं 2004 में, 2008, 2012 में भी दो मेडल्स आए थे इंडिया को। सो ये आया है मेजर राज्यवर्धन, पहला जो मेडल था शूटिंग का वो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्होंने सिल्वर जीता था 2004 एथेंस ओलंपिक में शूटिंग के लिए। अभी अगर अगेन इंडिया का जो अनडिफीटेड अनचैलेंज्ड जो हॉकी का रिकॉर्ड रहा है उसमें अगर हम बात करें, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया डिफीटेड यूएसए जो 1932 ओलंपिक्स में था उसमें 24-1 से हराया था हमने यूएसए को गोल्ड मेडल मैच में, और ये ओलंपिक्स की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे लंबा मार्जिन से जीता हुआ मैच है हॉकी मैच। नाउ साक्षी मलिक, इन्होंने भी 2016 में ब्रॉन्ज जीता था एंड शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल रेसलर जिसने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। Then again one more inspirational pair, Deepa Karmakar. She just missed by few points a medal in the 2016 Olympics. She became not she was the first women gymnast जिसने India को represent किया था 2016 में, and she was she came fourth, and she was the one जिसने Pradunova जैसा, जिसको vault of death भी बोलते हैं, बहुत tough exercise होती है, उसको she did, she executed it, and she missed just पॉइंट्स के मतलब डेसिमल्स के स्कोर्स में इन्होंने मिस कर दिया मेडल। उस बार का गोल्ड जीता था द लेजेंडरी जिमनास्ट साइमन बाइल्स ने फ्रॉम यूएस। नाउ बॉक्सिंग में पहला मेडल कब आया था इंडिया को, ये 2008 में आया था बीजिंग ओलंपिक्स में। विजेंद्र कुमार अभी ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, उस वक्त इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने इंडिया को पहला बॉक्सिंग का मेडल दिया था 2008 में ब्रॉन्ज। तो द लेटेस्ट ओलंपिक्स जो हुए थे वो टोक्यो में हुए थे 2020 में, एक्चुअली नॉट इन 2020, ये 2021 में हुए थे, बिकॉज ऑफ कोविड 19 पैंडमिक एक साल के लिए पोस्टपोन करना गया था, एंड फर्स्ट टाइम ये ओलंपिक्स बिना ऑडियंस के कराए गए थे। सो टोक्यो 2020 का मोटो क्या था, यूनाइटेड बाई इमोशंस, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। मेरा तोवा एंड सोमयीति की। नाउ विल टॉक अबाउट ऑनरेबल मेंशंस इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में कुछ बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं फ्रॉम इंडियन प्लेयर्स, इंडियन एथलीट्स, ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली उन्हें मेडल्स मिस कर दिया बट दे वन आर हार्ट्स। सो सबसे पहले तो थे हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, जिन्होंने 1960 में बहुत ही कम डिफरेंस से ये फोर्थ आए थे। एक्चुअली उन्होंने मिसजज कर लिया था थर्ड पोजिशन पर जो एथलीट था उसको, एंड इन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक्स में फोर्थ आए थे। इनको फ्लाइंग सिख बोलते थे, ये काफी इनका अच्छा रिकॉर्ड था और ये मेडल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। सो सेकेंड वन वॉज पीटी उषा, जिनको फॉन्डली हम पायोली एक्सप्रेस कहते हैं। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि धींग एक्सप्रेस किसको कहते हैं, अगर पायोली एक्सप्रेस इनको बोलते हैं तो धींग एक्सप्रेस किस प्लेयर को कहा जाता है। सो शी मिस्ड अ मेडल बाय 100th ऑफ अ सेकेंड एंड स्टूड फोर्थ इन 1984 लॉस एंजलस ओलंपिक्स इन 400 मीटर हर्डल्स, फोर्थ पोजिशन। लाइक ये बहुत ही ऐसा होता है कि वो बस उस टाइम का परफॉर्मेंस का होता है, बिकॉज दीज वर इक्वली डिजर्विंग, ये इनफैक्ट काफी चांसेस थे इन प्लेयर्स के। देन जयदीप करमारकर 2012 में लंदन में 50 मीटर राइफल में ये भी फोर्थ आए थे। देन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीपा करमारकर 2016 रियो ओलंपिक्स, शी जस्ट मिस्ड बाय डेसिमल्स, शी स्टूड फोर्थ एंड शी वॉज She executed that infamous vault of death, जिसको बोलते हैं प्रोडोनोवा, बहुत ही difficult vault होता है ये, and vault of death प्रोडोनोवा इन्होंने execute किया था। और इस बार अगर हम honorable mentions की बात करते हैं तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम 1980s में भी उन्होंने bronze medal miss कर दिया था, but इस बार after many years ये टीम ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, एंड देन दे लोग ब्रिटेन से बहुत ही कम मार्जिन से हार गए, बट दे माइट हैव लॉस्ट
कहते हैं ना, दे माइट हैव लॉस्ट द मेडल्स बट दे वॉन हर हार्ट. सो इंडियन वुमेन हॉकी टीम, हॉकी में वैसे भी इस बार मेल टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता आफ्टर 41 ईयर्स, एक मेडल आया हॉकी में. एंड हॉकी की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही इस बार टोक्यो में, एंड इट इज सेड दैट ये कम बैक है इंडियन हॉकी का. सो देन सानिया मिर्जा एंड रोहन बोपन्ना, 2016 रियो में टेनिस से मिक्स डबल्स में इंडिया को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी एंड दे लॉस्ट द मिक्स डबल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच. उसके बाद एक और मेडल आया अदिति अशोक का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हर इन द स्पोर्ट्स करंट अफेयर सेक्शन, नाउ विल टॉक मोर अबाउट हर. की शी वॉज एन अंडरडॉग, 200th रैंकिंग पे थी, बट ये नॉट ओनली शी वॉज लीडिंग इन टू डेज, इनफैक्ट गोल्फ में इन्होंने बहुत ही एक शॉट से, कहते ना एक विस्कर से, शी जस्ट मिस द मेडल इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स. फोर्थ पोजिशन वाला बहुत ज्यादा मतलब होता है, बट दीज प्लेयर्स दे जस्ट वन आर हर्ट्स. देन कमलप्रीत कौर, कमलप्रीत कौर ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं. तो 65 मीटर का जो बैरियर होता है डिस्कस थ्रो में ओलंपिक्स में, वो अगर आप वो क्रॉस कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, वरना फिर आपको टॉप 12 की रैंकिंग में जाना पड़ता है. तो कमलप्रीत कौर ये फर्स्ट वुमेन बनी इंडिया से जिन्होंने 65 मीटर बैरियर क्रॉस कर लिया था क्वालिफाइंग राउंड में, एंड देन फाइनल्स में शी स्टूड अप टू 6th. बट इनसे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हुई थी एंड वी ऑल होप कि जो 2020 के जो प्लेयर्स थे, स्पेशली अदिति अशोक, कमलप्रीत कौर, इंडियन हॉकी टीम एंड इवन दीप, सो ये लोग, वी जस्ट होप, लेट्स प्रे कि ये नेक्स्ट ओलंपिक्स में अपनी परफॉर्मेंस शानदार को और शानदार बनाएंगे एंड दे विल डेफिनेटली ब्रिंग अस मेडल्स इन द अपकमिंग फ्यूचर. So this was the honorable mentions. I forgot to add one. Deepak Punia in 2020 Tokyo Olympics, he lost the bronze medal match and stood at 4th place. He was also a strong medal contender. So let's wish all of best of luck to all these warriors. जो वैसे भी इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में एक अचीवमेंट होती है और बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है. एंड विल होप कि आने वाले टाइम में इंडिया में और भी मेडल विनर्स आएंगे. सो टोक्यो 2020 जो था वो इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट ओलंपिक्स रहा है, विद 7 मेडल्स हमने इस बार की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है. एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस दैट यू विल राइट द नेम ऑफ द विनर्स इन द कमेंट सेक्शन, विल डिस्कस द आंसर्स टुमारो. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस स्पोर्ट्स, न्यू स्पोर्ट्स लाइक रोइंग, रोइंग में भी इंडिया ने रिप्रेजेंट नहीं सिर्फ किया, टॉप 12 में भी जगह बनाई थी अर्जुन लाल एंड अरविंद सिंह जाट इन्होंने. सो दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स, दिस पीपल, दे आर वेरी इंस्पायरिंग एंड वी होप कि आने वाले टाइम में इंडिया का स्पोर्ट्स में फ्यूचर और भी ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक है. सो विल टॉक अबाउट द अपकमिंग इवेंट्स नाउ. तो अभी तक विंटर ओलंपिक्स में इंडिया में अभी तक कोई मेडल नहीं आया है, ऑल्दो वी आर सेंडिंग आर एथलीट्स सिंस 1964. सो विंटर ओलंपिक्स जो नेक्स्ट है वो 2022 में होगा, बीजिंग में 4 फेब से कुछ ही दिनों में है. सो ये फर्स्ट बीजिंग, ये फर्स्ट सिटी होगा जो कि बोथ विंटर एंड समर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स यहाँ पे कब हुए थे 2008 में, होस्ट करेगा. सो बीजिंग इट विल बिकम द फर्स्ट सिटी एवर टू होस्ट बोथ विंटर एंड समर ओलंपिक्स. तो फिर नेक्स्ट समर ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे, 2024 में पेरिस में और फ्रांस में. देन 26 में अगेन विल हैव विंटर ओलंपिक्स जो कहाँ होंगे, मिलान एंड कॉर्टिना इन इटली. फिर 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में समर ओलंपिक्स एंड 2032 में विल हैव ब्रिस्बेन ओलंपिक्स इन ऑस्ट्रेलिया. नाउ मैस्कॉट ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, बिकॉज ये अभी 4 फेब से शुरू होगा तो एफकैट तक तो ऑब्वियसली, सो ये क्वेश्चन होगा मैस्कॉट कौन है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का. सो इट विल बी बिग ड्वेन ड्वेन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओलंपिक्स. नाउ वील डिस्कस मोर अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स. कॉमनवेल्थ गेम्स को जिनको फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है, ये ओलंपिक्स के बाद सेकेंड बिगेस्ट इवेंट होते हैं और यहाँ पे कंट्रीज फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है, दे आर दिस ग्रुप ऑफ 54 नेशंस एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे हैव बीन प्रीवियसली द ब्रिटिश टेरिटरीज. इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है एंड कॉमनवेल्थ गेम्स को ना सिर्फ हमने उसमें पार्ट लिया है, वी हैव ऑल्सो होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010 दिल्ली, इन दिल्ली. नाउ ये 1930 में शुरू हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स एंड
कहाँ पे हुआ था पहला? हैमिल्टन इन कनाडा, एंड दे आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, एंड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू 1942 और 46 में ये गेम्स नहीं हो पाए थे. दिस विल बी ई एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स फ्रॉम 1932-1950. आफ्टरवर्ड्स दे वर नोन एज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स टिल 74, एंड फिर उसके बाद ये कॉमनवेल्थ गेम्स से जाने लगे. नाउ इसकी एक और खास बात होती है कि इसमें डिसेबल्ड एथलीट्स जो होते हैं, जैसे ओलंपिक्स में उनको पैरा ओलंपिक्स और पैरा एथलीट्स अलग से होता है, पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं इसमें डिसेबल्ड एथलीट्स भी दे आर इंक्लूडेड एज फुल मेंबर्स ऑफ देयर नेशनल टीम्स, एंड इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम्स आर द फर्स्ट फुली इंक्लूसिव इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया ने कब होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स? 2010 में, एंड उस वक्त हम मेडल टैली में सेकेंड नंबर पे आए थे आफ्टर ऑस्ट्रेलिया बाई क्लिंग टू विनिंग टोटल 101 मेडल्स. अब तक का हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस था वो, एंड 38 गोल्ड थे उसमें से. एंड हम इंडिया उसमें पार्ट कब से ले रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में? सो वी आर पार्टिसिपेटिंग सिंस 1934. सो इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल गेम्स एज वी डिस्कस दे वर 2010 दिल्ली, जब हम सेकेंड आए थे आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विद 38 गोल्ड्स एंड टोटल 101 मेडल्स. उसके बाद 2018 गोल्ड कोस्ट गेम्स में भी इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही एग्जेम्पलरी था. मेडल टैली में वी वर थर्ड एंड हमने 66 मेडल्स जीते थे, तो ये थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस था इंडिया का. उसके पहले हमने 101 मेडल्स जीते 2010 में, एंड हमने 66 मेडल्स इस बार जीते थे. इसमें 26 गोल्ड थे, और इंडिया की फ्लैग बेरर कौन थी 2018 गोल्ड कोस्ट गेम्स में? शी वॉज पीवी सिंधु. Now shooting, it has been the most successful event in the these games so far. Now the next Commonwealth Games होगा वो कहाँ पे होगा? 2022 में Birmingham, London में. So Birmingham Games है, और इसका mascot कौन सा है? Perry. Now let's talk about India's athletes performances. So 2018 में Manika Batra थी, she is an outstanding tennis player. Olympics में भी इनका performance बहुत अच्छा था. She advanced till the third round, and third round में although she faced defeat, but ये इनका debut Olympic था, and we believe कि आने वाले time में ये बहुत अच्छा करेंगे table tennis में. Commonwealth में 2018 Gold Coast Games में इन्होंने जिस भी event में participate किया था, सारे events में इन्होंने medals जीते थे. वुमेन सिंगल्स एंड डबल्स में इन्होंने गोल्ड जीता था, एंड मिक्स्ड में इन्होंने ब्रॉन्ज. शी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन टेबल टेनिस एट कॉमनवेल्थ गेम्स. फिर उसके बाद एक टीनेजर एथलीट थे, दीपक लाठेर फ्रॉम हरियाणा. ही बिकेम द यंगेस्ट वेट लिफ्टर टू विन अ ब्रॉन्ज इन 2018 गोल्ड कोस्ट गेम्स. उसके अलावा 2018 गोल्ड कोस्ट गेम में एक और अच्छी अमेजिंग चीज हुई थी कि दोनों फाइनलिस्ट बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स की, दे वर इंडियन साइना नेहवाल एंड पीवी सिंधु, एंड साइना नेहवाल शी वन द गोल्ड मेडल व्हाइल पीवी सिंधु वन द सिल्वर मेडल. दिस गाइस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. द क्वेश्चंस फॉर यू आर, वेयर आर द वर्ल्ड गेम्स 2022 गोइंग टू बी हेल्ड? द सेकेंड इज, विच कॉन्टिनेंट हैज नेवर होस्टेड एनी ओलंपिक गेम? Apart from that, I asked two more questions to you, that right, who is known as Dhing Express, and what was the right the names of all the Olympic Tokyo 2020 Olympics medalist in the comment section. Now I have one more question for you guys, that sports person Tasneem Mir, she was in news recently, so which sport she is associated with, and why was she in news? So with this, we have come to the end of today's session. I hope you guys are practicing regularly. Again, I'll say, make your own short notes and revise it now. Abhi ka time bahut judiciously use kariye taki aap bahut acche se score kar sakte hain. It's not that tough. FCAT ka paper agar aap padh ke jaate hain, GS session moderate hi aata hai usme, GS section. Aur uske alawa aap maths, English aur reasoning sections ka agar aap practice karke jaate hain, to aap definitely score karenge acha. So keep practicing, keep working hard. Please like and share this video, and also comment the answers in the comment section, and subscribe to the YouTube channel of the Trishul Defence Academy. Till then, keep working hard, keep practicing, and one day the dream of becoming an Indian Air Force officer will definitely come true. Jai Hind.
जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।